मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू देसी फ्लॉगर्स। गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं नहा धोके तैयार होके पूजा पाठ कर चुका हूँ। मैं अभी नहाने जाऊंगी और उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करेंगे। यस, बढ़िया ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद फिर आप सोच रहे हैं कुछ इंटरेस्टिंग लाया जाए आपके लिए कंटेंट। दोस्तों क्या लाके आएंगे हम लोग दोस्तों के लिए ऋतु आज? दोस्तों मैं चैलेंज देखिए सुबह सुबह कर लेता हूँ, लेकिन ऋतु देखिए चैलेंज नहीं करती, तैयार नहीं होती, सस्ती समझती नहीं है, अपने चैलेंज में फेल हो रही है ये धीरे धीरे। क्यों ना तैयार होती है तुम? आपको पता है तैयार, रोज तैयार होना कितना मुश्किल होता है। मुश्किल क्या होता है? क्रीम पाउडर तो चिपोड़ना होता थोड़ा सा। आप चिपोड़ के दिखाइए कभी क्रीम पाउडर, तब पता चलेगा कि कितना मुश्किल होता है। चिपोड़ दिया तो कहीं जाना नहीं होता और तैयार होके बैठे रहना होता है। तो चिपोड़ दिया तो हाँ, तो चिपोड़ के दिखाइए, आज आप ही हमको तैयार करेंगे। चलो दोस्तों, चलिए दोस्तों, आज तो मैं मेकअप करके रहूंगा ऋतु का। मैं इनको बताता हूँ कि तैयार कैसे होना चाहिए। क्या क्या चीजें कहाँ लगाते हैं? अरे पता कर लेंगे, इसमें क्या है, बड़ी बात थोड़ी ना है कोई। वेरी गुड सर। वो यार देखिए, कोई भी कार्टून बनाइए, अगर बुरा लगे हम बुरे लगे तो दिखाइएगा नहीं। दिखाएंगे तो है, दिखा दीजिएगा। ये नहीं होता, मुंह धुल के दिखा दीजिएगा, क्योंकि हम बिना मेकअप के भी उससे तो अच्छे लगते हैं। जो दिखाना तो पड़ेगा भाई, दिखाना तो पड़ेगा, देख लो दोस्तों। अगर दिखाना नहीं है तो फिर नहीं करेंगे चैलेंज। दोस्तों शाम का वक्त हो गया है और मैं चाय बनाने लगा हूँ। अभी काफी आलस भरा दिन था आज, ज्यादा कुछ करने का मन नहीं था दोस्तों। तो आज का दिन काफी बिजी था, सुबह से काम में व्यस्त थे हम लोग, उसके बाद शाम को हम लोग जिम गए कल्ट में, उसके बाद एक्सरसाइज की, वहां पे एक्सरसाइज करके आए हैं। आज काफी अच्छा लग रहा है एक्सरसाइज करके। पहले दिन जब कल्ट गए थे तब तो पहले 10 मिनट में ढेर हो गए थे, आज लेकिन पूरा 1 घंटा अच्छे से एक्सरसाइज करके आए हैं हम लोग। और इस समय हो रही है खाने की तैयारी। क्या हो गया ड्रमबाज? आंसू दिखाइए भाई। दोस्तों घड़ियाल के आंसू देख लीजिए। क्या हो गया? प्याज काट रहा हूँ। और दोस्तों घर जाने की एक्साइटमेंट भी बहुत ज्यादा है हम लोगों को, घर जाने वाले हैं जल्दी ही। इनका बस चले तो नौकरी चाकर की एक किनारे रख के घर चली आए, लेकिन सब कुछ बैलेंस करना पड़ता है दोस्तों। लेकिन इस बार लंबा जाएंगे हम लोग काफी, और फैमिली ट्रिप के भी प्लान हैं जो कि हर साल बनते हैं दोस्तों। हमारी फैमिली भी हमारे जैसी है कि प्लान कभी कभी प्लान बनाती है और नहीं जाती है, तो थोड़ा दोस्तों हमारी फैमिली में भी जब ट्रिप्स के प्लान बनते हैं तो वैसे ही प्लान होते हैं जैसे दोस्तों के साथ गोवा जाने के प्लान होते हैं। हर साल कहीं ना कहीं जाना होता है लेकिन कहीं नहीं जा पाते, ओवरनाइट प्लान होते हैं, लेकिन इस बार जाके रहेंगे हम लोग, पूरा सोचे हैं। और जाएंगे तो दोस्तों जानते हैं आपको ब्लॉग्स की क्वालिटी कितनी ज्यादा आएगी, कहाँ का घुमाएंगे आपको भी फैमिली के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके आने वाले ट्रिप्स के। बस बने रहिए, और बहुत बड़े सरप्राइजेस हैं आगे स्टोर में। अगले महीने के ब्लॉग्स दोस्तों ऐसे आएंगे ना कि पूरे यूट्यूब में आग लगा देंगे दोस्तों, बाढ़ ला देंगे दोस्तों, बाढ़ ला, सब्सक्राइबर्स की बाढ़ ला देंगे दोस्तों। तो दोस्तों इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं और अभी वक्त आ चुका है उस घड़ी का जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। अभी मैं करने वाला हूँ ऋतु का मेकअप, इसके लिए मैं बिल्कुल एक्साइटेड नहीं हूँ दोस्तों, क्योंकि पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। अब आखिरी बार मेरा सुंदर सा चेहरा बिना मेकअप के देख लीजिए। उसका दिखे ना दिखे दोस्तों, और पूरा रिकॉर्ड होगा, बिना एडिटेड होगा, ये आपको दिखाया जाएगा कि मैंने कैसा मेकअप किया, कैसा भी मेकअप किया दिखाया जरूर जाएगा दोस्तों। पता है आपको कौन कौन से प्रोडक्ट यूज होते हैं मेकअप करने में? पता कर लेंगे भाई, इसमें क्या है, हम भी कर लेंगे दोस्तों। तो मेकअप किट खुल चुकी है, इसमें से लगाना है। आपके पास कुछ हो तो आप बता दीजिए जिसमें से लगाना हो, ये सब यूज करना है। और बस मुझे बता देना कौन सी चीज कहाँ लगती है, इतना तो बताओगी? नहीं, वो भी आप ही का टास्क। नहीं नहीं, ये तो बताना पड़ेगा। नहीं नहीं, आप ही का टास्क दोस्तों, कुछ ज्यादा अनफेयर नहीं हो गया टास्क के? मुझे पता थोड़ी ना वहाँ कौन सी चीज कहाँ लगती है। अरे पता कर लेंगे। And start! तो दोस्तों मैं अपना जो है मेकअप वाला चेहरा बाद में देखेंगी, पूरा मेकअप डन जब ये बोल देंगे कि हो गया है मेरा मेकअप, मैं उसके बाद अपना चेहरा देखूंगी और मैं अपना रिएक्शन दूंगी। तो चलिए शुरू कीजिए, मैंने इनके लिए काम भी इजी करके रखा है, सारे प्रोडक्ट्स निकाल के रख दिए हैं,
अब वो इनको देखना है कौन सा प्रोडक्ट कहाँ लगाना है। चलिए दोस्तों, ऐसे थोड़ी ना हो रहा। अरे कुछ तो स्ट्रगल तो कीजिए। मॉइस्चराइजर लगा लिया? मैंने कुछ नहीं लगाया हुआ अभी। फिर मॉइस्चराइजर लगाना होता है ना पहले। आपको जो भी ठीक लगे। आई एम द डमी। क्यों ना था मैंने मॉइस्चराइजर लगाया। अरे मैं इंसान हूँ, ऐसे ऐसे रगड़ दोगे क्या? मुझे भी लग रहा है कि मैं खुद को ही नहीं पहचान पाऊंगी। किसकी बारी है दोस्तों, ये क्या चीज है? लैश, आई लैश में लगता होगा ये, लैश नाम से। ये तो सेटर है, ये सेटर है ना। बेस ऑफ ग्लोरी प्योर मिनिमाइजिंग प्राइमर है। आई थिंक प्राइमर लगता है क्या? नेक्स्ट थोड़ा बता सकती हो? इतना नहीं है, स्टेप बता दो कौन किसके बाल लगता है, कहाँ लगता है, ये कर देंगे। अरे को वही तो फन पार्ट है। चलो ये बता देते क्योंकि इस तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो ये आप लगा सकते हैं अभी मॉइस्चराइजर के बाद। अच्छा, स्ट्रोक क्रीम बोलते हैं इसको, इल्यूमिनेटिंग क्रीम होती है ये। दिस इज फॉर ग्लो, ग्लो करेगी अभी तो किससे। बिल्कुल थोड़ा सा लगाइएगा अपना। अगर मेरे प्रोडक्ट आपने वेस्ट किए थोड़ा सा और लेंगे। इसके बाद आपको खुद देखना है क्या कौन सी चीज का है। ओके मैम, ऐसा लग रहा है ये पूरे मुंह पे लगाना है। जो भी आपको जो भी चमकाना है उस पे लगा दीजिए। पूरा मुंह चमकाना है, ऐसी चमक रही तुम तो। ऐसे हाथ लग रहे हैं जैसे हाथ तोड़ रहे हो। अरे बस बस चमक गए, चमक गए। ये चमके हैं क्या अभी दोस्तों? दो स्टेप्स हो चुके हैं। ये सनस्क्रीन की जरूरत तो है नहीं मुझे लगता। ये बॉबी ब्राउन का क्या है, ये कंसीलर है ये। दोस्तों कंसीलर कहाँ लगता है? और देखते हैं प्रोडक्ट्स पहले देखते हैं दोस्तों। ये फोंडे डे टैंट है, ये हिंदी में नहीं इंग्लिश में नहीं लिखा, फाउंडेशन है ये। फाउंडेशन फाउंडेशन तो लगाया ही पहले लगाया जाता होगा, नाम फाउंडेशन, इसका नाम फाउंडेशन है दोस्तों, पहले लगाया जाता होगा। फाउंडेशन मतलब बेस होता है मेरे ख्याल से। Let's see, अपने लॉजिकल माइंड से मैं जा रहा हूँ मेकअप करने। पहली बार दुनिया में पहली बार दोस्तों एक आदमी लॉजिक से मेकअप करने जा रहा है, इसको पता नहीं ये कहाँ लगाया जाता है, लेकिन फाउंडेशन नाम से जा रहा हूँ। सुरपन खा वो जो रामलीला होती है ना, उसकी सुरपन खा का जैसा मेकअप होता है वैसा मेकअप मेरा होगा। अगर किसी को रामलीला में सुरपन खा का वो चाहिए कैरेक्टर, तो आप मुझे वो कर सकते हैं और इनको एज अ मेकअप आर्टिस्ट बुला सकते हैं। एक बार दोस्तों को देखिए, दोस्तों आप ही बताइए कैसा लग रहा है अभी तक मेरा। बाल बांधने थे ना तुमको जब लगाना है मेकअप। ओह माय गॉड, मुझे पता नहीं था ना कि प्रोफेशनल मेकअप होने वाला है। व्हाट इज दिस यार, वेरी बैड। हाँ तो दोस्तों अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल अगला क्या, इसके बाद आपका लॉजिक क्या कहता है कि अगला क्या होना चाहिए? लॉजिक के बाद देखता हूँ मैं। ये तो एंड में आएगा मेकअप सेटर। प्राइमर है, पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर मतलब होता है जो गड्ढे होते हैं इसपे गालों के उसको कम करने के लिए होगा, जो कि नाम से जा रहा है दोस्तों पोर मिनिमाइजिंग। तो तुम्हारे मुंह पे गड्ढे तो नहीं दिख रहे मुझे। तो आई थिंक वी कैन स्किप दिस। सब यूज करना है, दिस इज द कंपल्शन। स्किन फुल कवर कंसीलर, फुल कवर कंसीलर मतलब पूरे मुंह पे लगाना होगा। अगेन उसकी ट्यूब देखो, ये अगर मैं पूरे दिन पूरा पूरा मुंह पे लगा लूं तो एक बार का प्रोडक्ट पूरे में इतने में लगाना होगा मेरे ख्याल से। ये वाला है क्या, जहाँ पे आपकी इच्छा करे हमारे मुंह पे। ये है एक्चुअली बहुत महंगा दोस्तों, तो मैं थोड़ा सा डर लग रहा है, बीवी बहुत मारेगी हमको। तो लगाइए। लगा रहा हूँ। कंफ्यूज हो गया। लैश पेंसिल लाओ थोड़ा सा तुम्हारी आँखें थोड़ा। अरे तो आँखों के लिए तो पहले ये सब करेंगे ना। अच्छा यहाँ पे ऐसे घर पड़े। हाँ दोस्तों आज कुछ अलग कलर लगाता हूँ मैं। यस
इसमें ब्रश दिया हुआ है लेकिन मैं ब्रश का उपयोग नहीं करूंगा, मैं अपने इस स्किल्ड हाथों का उपयोग करूंगा। अपने हाथों को थोड़ा सा कम इसमें पूरे दिएगा मेरे प्रोडक्ट। कौन सा कलर लगाना चाहती हैं? इस कलर से मैच कर देते हैं आपका। दोस्तों अभी मैंने बहुत ही रिसेंटली एक वीडियो देखा था कि आदमी के आंखों में 7 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं जो कि कलर आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं, लेकिन वही औरतों के आंखों में होते हैं 14 मिलियन। तो ऑलरेडी आदमी का सेंस कलर के मामले में कम है औरतों से। ये मतलब एक फैक्ट भी आपके साथ आपको मैंने जोड़ दिया है इस ब्लॉग में, तो मतलब लाइक करना तो बनता ही दोस्तों। अरे पहले मेकअप कीजिए, फैक्ट जोड़ रहे हैं। क्या तो लगाया है भाई, दोस्तों क्या मेरी आंख ऐसी लग रही है कि किसी ने मुक्का मार दिया होता है। एक और दो मल्टी कलर लगाएंगे। अच्छा दो मल्टी कलर, इसमें सब एक ही कलर लग रहे हैं दोस्तों, सब तो एक ही कलर लग रहा है इसमें। और कुछ है क्या? ये शुगर वाला क्या? पूरा कॉन्सेंट्रेट करने के बाद भी आपने हमको कार्टून बनाया तो बताएंगे आप। तो तुमको क्या एक्सपेक्टेशन है मुझसे भाई, वो मेकअप दादा हूँ क्या मैं? तुमका भी शूटिंग भी जान दूंगा। चलो ये काम तो हो गया मेरे ख्याल से। अब आंखों का दूसरा औजार निकालते हैं, दिखा दो सही से जाके और अंदर। दोस्तों इस वीडियो पे अगर लाइक्स और सब्सक्राइब और व्यूज नहीं आए तो नहीं आए तो हम लोग दूसरा चैलेंज लेके आएंगे। वापस मेकअप का चैलेंज नहीं लेके आएंगे। अब ये तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप कितना अच्छा मेकअप करते हैं हमारा कि लोग सब्सक्राइब करके जाएं। नहीं लोग दोस्तों भाई को सपोर्ट कर दीजिए अपने आप। अच्छा ये भी है, ये अब तुम तो नई नई चीज निकालते जा रही हो। दोस्तों ये सब तो जरूरी है। ज्यादा नहीं इस पे कलाकारी करेंगे। लग गया तो नाक भी लग गया। देखिए दोस्तों, चलो 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 जल्दी करो, टाइम नहीं है ना बात में। फिर वहीं आ गए हम। कंसीलर तो लगाना पड़ेगा। कंसीलर की हिंदी क्या होती है? कंसीलर। कंसीलर छुपाना है दिखाना, किसी को कंसील करना होता है। आपके पास किसी वाइट वॉश करने वाले का नंबर है क्या? देखिए ना वो इसके साथ आ रहा है। इसका मतलब क्या हो सकता है? कंसीलर कहाँ लगाऊं मैं यार? कोई तो दोस्तों बता दो कंसीलर कैसे लगाऊं मैं, कहाँ लगाऊं? आंखों में लगाते हैं क्या? आग बड़ी कर रही। मुझे क्या पता आप कहाँ लगाने वाले हैं? आपको मिले इसका मतलब। रुक जाओ लगाने तो पहले। तो कंसील कर दिया मैंने। दोस्तों मैं कैसी लग रही हूँ आप बताइए, मैं भूत लगने लगी हूँ या नहीं? अभी तक नहीं लग रही हूँ मेरे ख्याल से भूत। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, पढ़ाई मत। अरे यार ये तो मेकअप पहले लगाते हैं। लिखा था ये तो दोस्तों मेकअप के पहले लगाते हैं, तुल्लू बन गया दोस्तों। दिस इज नॉट फेयर। अब क्या करेंगे बतिदेव, मुधुल क्या है? नहीं नहीं इसे लगा देंगे थोड़ा सा, ऊपर लगाना ही तो है, यहाँ लगा देंगे। यहाँ सब प्रोडक्ट यूज करने हैं भाई, अब क्या कर सकते हैं? ये मिट तो नहीं जाएगा मेकअप इससे? नहीं मेकअप नहीं मिटेगा, फिर मिटेगा। दोस्तों मुझे पता नहीं था प्राइमर जो है मेकअप पहले लगाते हैं, मेकअप के बाद लगाए थे, लेकिन मुझे मैंने एक चीज सीखी दोस्तों, प्राइमर जो है मेकअप के पहले लगा। वो जो है स्किन को जो है आपकी इवन आउट करने में मदद करता है, उसके बाद मेकअप करेंगे तो आप मतलब थोड़ा सा अच्छे से लगेगा ना। ये तो हाँ या ना तो बोल ही सकते हैं क्या? मैं सही सीख रहा हूँ, अगली बार करेंगे मेकअप तुम्हारा तो देखो एकदम ऐसा। जो तो मुझे लग नहीं रहा है कि जैसा कर रहे हैं आप उसके बाद में अगली बार भी करवाऊंगी। अरे वो इतनी सुंदर लग रही ना तुम्हारे। व्हाट्स नेक्स्ट, वेयर इज द आईलाइनर? माय फेवरेट आईलाइनर। आईलाइनर दोस्तों आईलाइनर के बारे आ गई, सबसे डिफिकल्ट जॉब है। क्या चीज है ये? काजल है। काजल है, काजल ऐसे यहाँ पे लगाऊंगा काजल। खोल तो लीजिए, ये तो रबड़ है। अच्छा दोस्तों रबड़ भी है काजल के साथ, ये मुझे पता नहीं।
अब क्या करने का इरादा है पतिदेव? अब आइलैंड लगा ही लीजिए। कब तक बचेंगे? बचेंगे आईलाइनर के बाद कुछ मैं ऐसी लग रही हूँ क्या? मैं आप लोगों को पहचान में आ रही हूँ? हाँ हाँ, मैं आप ही की रितु हूँ। तो आईलाइनर के बाद दोस्तों अब क्या लगाया जाए? यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपने निकाल दिया है वो वापस नहीं लगेगा? लगेगा, लगाना पड़ेगा कंसीलर। तो थोड़ा लीजिएगा, तो हार्ड फील हो रहा होगा। दूसरा लेना यार, चैलेंज के लिए तुम इतना नहीं कुर्बान कर सकते सब्सक्राइबर्स के लिए? दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है ना, मेरा किसी ने मार मार के मुंह सुजा दिया है सिर्फ इनकी उंगली से। वो हथौड़े क्यों मार रहे हैं आप मेरे चेहरे पे? थोड़ा पाउडर लगा दीजिए, खत्म करते हैं जल्दी से, खत्म करते हैं। थोड़ा हरा गुलाबी कुछ और कलर होता है इसमें, लाल क्या शेड पड़ा है इसमें? क्योंकि ये हम खुद नहीं लगाते ना, इसलिए हमारे पास है भी नहीं। व्हाट इज दिस प्रोडक्ट? ये तो बड़ा ही लस्कारा लग रहा है। डबल ग्लीम एक्स्ट्रा डायमेंशन स्किन फिनिश, इसका मतलब हो सकता है कि स्किन पे और चमकाहट लाने के लिए है। इसको ब्रश से लगाया जाए, कैसे लगाया जाए? ब्रश से लगाया जाए? इस ब्रश से नहीं, इसके लिए अलग ब्रश होती है। मेरे पास कोई ब्रश बची क्यों? You don't have any products. What is this? कहाँ लगाएंगे? मुंह। क्या कर रहा है? देखिए दोस्तों, आफ्टर हाइलाइटर, हाइलाइटर था वो। नाइस दोस्तों, मैं पहले बता दे रहा हूँ, अगर आपको मेकअप कराना है उससे तो बहुत लंबी वेटिंग होने वाली है। शादी पार्टी के ऑर्डर यहाँ लिए जाते हैं। शादी पार्टी के ऑर्डर नहीं, हेलोइन पार्टी के ऑर्डर। हेलोइन के लिए तो मैं बहुत चले गई हूँ। शुक्र आज मुझे ऑफिस नहीं जाना है, चेहरा लेके ऑफिस मेकअप करना है तुम्हारा, तब मजा आता, तब वो चैलेंजिंग होता। मैं आईडी कार्ड दिखाऊंगी, मैं चेहरा दिखाऊंगी, लोग बोलेंगे सेम तो नहीं लग रहे हैं। स्टूडियो फिक्स अप्लाई करने जा रहा हूँ दोस्तों, स्टूडियो फिक्स। आप कौन सा मेकअप कर रहे हैं? मैट फिनिश, ग्लॉस फिनिश? अच्छा ये अलग अलग होते हैं क्या? एक साथ कर दी। अच्छा पहले ग्लॉस था, मैट हो रहा है ना, एज फार एज आई अंडरस्टैंड। एचडी मेकअप दोस्तों, पाउडर भी लग चुका है। अब बचा आखिरी चीज, मेरा नाम चिंचिंचू बना दूंगा। अरे वाह यार, ये तो बड़ी सही चीज है भाई। आज के बाद मुझे लग रहा है कि मैं कोई भी प्रोडक्ट नहीं यूज कर पाऊंगी, मुझे इसी दिन की याद दिलाएगा। ब्लश लगाने के बाद तो दिखा दे। देखिए दोस्तों, क्या मैं सतरंगी हो चुकी हूँ? दोस्तों बस अब आखिरी चीज। अरे तो लिपस्टिक नहीं लगाएंगे क्या? देखिए बिना कैसे होगा काम भाई। देखिए कौन सी लिपस्टिक लगाएंगे? कौन सी है लिपस्टिक इसमें? ये लिपस्टिक है? ये तो लिप ग्लॉस है। लिपस्टिक ये सिंदूर है। सिंदूर भी लगा दूंगा, लाओ सिंदूर भी लगाता हूँ। पूरा मेकअप तो पूरा लगा हुआ है, थोड़ा सा और लगाऊंगा। ये क्या है? लिपस्टिक है, सारी लिपस्टिक ही है उसमें। अब सारी लिपस्टिक, ये लिपस्टिक है दोस्तों, मैं ये लगा रहा हूँ, पता नहीं क्या शेड है ये। बता के कोई फायदा नहीं, कोई नहीं खरीदने वाला देखने के बाद। तो इतना बुरा नहीं लगाऊंगा। अरे आपका, आपके हाथ का लगाया हुआ देख के खुद लगाते। बेटर बेटर, इतनी अच्छी लिपस्टिक तो उन्हें पहली बार नहीं लगाई होगी। मैंने इतना अच्छा मेकअप ही नहीं किया था भाई। शादी वाला मेकअप से ज्यादा अच्छा लग रहा है। दिखाओ पहले। दोस्तों लिपस्टिक भी लग चुकी है मार्केट में, अब मेकअप सेटर आएगा। और तो बचा सिंदूर, सिंदूर का है थोड़ा, तो सिंदूर भी लगाएगा। अभी सुहागन के सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर, एक बूंद सिंदूर है। हाँ
थोड़ा सा मैंने साइड में लगा, आपने बीच में लगाया, मैंने मांग देख के लगाया। अब सेटर, अभी बात करो, धुलना नहीं है मेकअप, सेट करना था। सेट हो गया, वैसे से करें यार। नहीं, वो सूखेगा अपने आप। तो दोस्तों, आपके भाई ने कर दिखाया बढ़िया मेकअप, अपने मेरा पूरा अपना चैलेंज पूरा किया है। अब आपके सामने तो ये रहा वो चेहरा। दोस्तों, मैं पहचान में आ रही हूँ आपको। तो मेकअप हो चुका है पूरा, जैसा कि आप देख सकते हैं। दिखाइए क्या रुद्र अपना चेहरा पहचान पाएगी। क्या वो इतना अच्छा लग रहा है। इतना गंदा मेकअप। गंदा मेकअप, इतना सुंदर मेकअप लग रहा है दोबारा। अरे यार जी, यार क्या बना दिया है आपने मुझे। दोस्तों आप बताइएगा मेकअप अच्छा लग रहा है कि नहीं। इसके लिए मेकअप थोड़ी ना होता है। देखो कितना चमक रही है, देख रही हो तुम, चमकान देख रही हो तुम। दोस्तों ये ऋतु है या मेरी बीवी है, किसी और को भी लेके नहीं आया हूँ मैं। दोस्तों इतना घटिया मेकअप किया है, इतना घटिया मेकअप किया है। वाह यार, लिपस्टिक भी इन्होंने ढंग से नहीं लगाई है। मैंने पहली बार लिपस्टिक लगाई है, ढंग से क्या नहीं लगाई, सही लगा। जो ये मेरी आंखें लाल लाल हुई हैं, कभी मुक्का मार के गया था क्या? वो आंखों के अलावा सब अच्छा है। और कुछ था नहीं मेकअप, कुछ अच्छा नहीं है दोस्तों इसमें, कुछ ये दोस्त बताएंगे, तुम क्या बताओगी। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने भाई को शाबाशी भी दीजिएगा मेकअप के लिए। दोस्तों आप बताइएगा, जस्टिस फॉर ऋतु लिखिएगा। आप बताइएगा कि ऋतु का मेकअप कैसा लग रहा है फोन में, आपको वीडियो में कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो बताइएगा, नहीं अच्छा लग रहा है तो ना बताइएगा। वीडियो तो थैंकलेस होती है दोस्तों। देखिए इतना मैंने टाइम अपना दिया है, 45 मिनट मैंने मेकअप में लगाए हैं। दोस्तों मुझे इसको धोने के लिए 10 किलो मेकअप लगाया मेरे पे, मुझे इसको धोने के लिए इतना टाइम लग जाएगा। और मैं, मेरे कलर चेंज होना शुरू हो गए हैं मुंह के, कहीं से ग्रे। दोस्तों इसी तरह मिलते हैं आपको कल, तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और कोई भी आप चैनल देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा हमको। और इसी के साथ शुभरात्रि, जय श्री राम, हमारे माता पर पूरे परिवार पर आपके बाय। चमक रही हो, देख लो, देख लो चमक। इतना नहीं चमकाना था, कुछ ज्यादा ही चमका दिए हैं आप। और क्या, ऐसे चमकना होता है वीडियो में भाई।